नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम नाथ वर्मा। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं, बहुत सी माताएं ऐसी हैं कि जिनके सीने में जलन होती है, सीने में जलन होती है, पेट में जलन होती है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि उससे निजात कैसे पाना है और उसको जड़ से कैसे खत्म करना है, उस तकलीफ से निजात कैसे पाना हमको। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अजवाइन ले लेना है और दोस्तों आपको ले लेना है बादाम, बादाम ले लेना है आपको 50 ग्राम के मात्रा में। आपको बादाम ले लेना है और 50 ग्राम के मात्रा में अजवाइन ले लेना है। और दोस्तों, आपको 1 ग्राम के मात्रा में अजवाइन लेना है और 1 बादाम की गिरी लेना है। बादाम की गिरी 1 आपको लेना है और उसको चबा के खाना है, दोनों को चबा के खाना है और हल्का सा गुनगुना पानी कर लेना है आपको। गुनगुने पानी को खाने के बाद आपको पी लेना है। दोस्तों, इस प्रकार से आप 2 से 3 दिन करते हो तो आपके जो पेट में जलन होती है, आपके सीने में जो जलन होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, ये पेट में जलन होने की वजह क्या होती है, सीने में जलन होने की वजह क्या होती है, दोस्तों हम लोग इधर उधर जाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं हम लोग, उसमें मसाले पता नहीं कैसे कैसे पड़े रहते हैं, ज़्यादा तीखा रहता है, ज़्यादा मिर्ची रहता है, तो इसकी वजह से हमारे सीने में जलन होती है बाहर का खाना खाने की वजह से। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर का खाना खाने की कोशिश ना करें, घर का ही जो है उसे ही खाएं। और दोस्तों, अगर आपके पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा एसिडिटी से परेशान रहते हो, ज़्यादा गैस से परेशान रहते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको अजवाइन ले लेना है, 50 ग्राम के मात्रा में आपको अजवाइन ले लेना है और ले लेना है आपको स्वाद के अकॉर्डिंग आपको सेंधा नमक ले लेना है और काली मिर्च ले लेना है। काली मिर्च जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं रसोई के लिए, आपको काली मिर्च ले लेना है 25 ग्राम की मात्रा में, अजवाइन ले लेना है 50 ग्राम की मात्रा में और अपने स्वाद के अकॉर्डिंग सेंधा नमक ले लेना है। सेंधा नमक, ये सारी सामग्री जो है आपको किराने की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। किराने की दुकान पर अगर नहीं मिलती है तो आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। ये तीनों सामग्री आप ले लो। तीनों लेने के बाद आपको उसका पीस लेना है, पीस कूट के बारीक उसका चूरन बना देना है और आपको एक चम्मच के मात्रा में उस चूरन को सेवन करना है सुबह और 1 चम्मच के मात्रा में शाम को सेवन करना है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, आपके पेट की जितनी भी समस्या रहेगी, जितनी भी बीमारियां हैं पेट की, एसिडिटी जैसे हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया, ये सारी बीमारियाँ आपकी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपको कुछ दिनों तक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको बताया गया, उसी प्रकार से उसका सेवन करना है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का यही मोटिव रहता है, आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नमस्कार, जय हिंद।